केदारनाथ धाम में यात्रियों को सहूलियत देने के लिए प्रशासन ने टोकन व्यवस्था शुरू की है। इस व्यवस्था से यात्रियों को घंटों लाइन में खड़े होने की परेशानी से निजात मिलेगी। राम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण शुरू हो चुका है। गर्भगृह कलश की आकृति का 8 कोण वाला होगा। इसकी दीवार 6 फीट मोटी होगी और इसका कलश 161 फीट ऊंचा होगा। IRCTC 27 जून से 2 जुलाई तक नेपाल के धार्मिक स्थलों की यात्रा करवाएगी। 6 दिन और 5 रात की इस यात्रा में यात्रियों को सीधे फ्लाइट से लखनऊ से काठमांडू और लखनऊ वापसी यात्रा की व्यवस्था की गई है। इस पैकेज के तहत पशुपतिनाथ मंदिर, विंध्यवासिनी मंदिर आदि तीर्थस्थलों के दर्शन करवाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में स्थित चिंतपूर्णी मंदिर के मुख्य मार्ग को मंदिर न्यास द्वारा नए सिरे से बनाया जाएगा। इस साल के अंत तक इस कार्य के पूरा होने की उम्मीद है। साथ ही यहां पर माता रानी के आरती दर्शन के लिए 2 बड़ी स्क्रीन भी लगाई जाएगी। पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो रही है। इस साल रथ यात्रा में भक्तों को रथ के ऊपर चढ़ने की अनुमति नहीं होगी। आंध्र प्रदेश के तिरुपति रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाया जा रहा है। स्टेशन का पुनर्निर्माण भगवान वेंकटेश्वर मंदिर की द्रविड़ शैली के आधार पर किया जा रहा है। उज्जैन में 13 अखाड़ों के प्रमुख संत गंगा दशहरे के मौके पर नीलगंगा स्थित जूना अखाड़ा परिसर में नीलगंगा सरोवर में स्नान करेंगे। स्नान के बाद दोपहर 12 बजे से सिंहस्थ तैयारियों को लेकर बैठक होगी। श्री काशी विश्वनाथ धाम के भव्य लोकार्पण के बाद से हर रोज औसतन 1 लाख श्रद्धालु दर्शन करने काशी पहुंच रहे हैं। इससे जहां एक तरफ ट्रेवल व्यवसाय को लाभ मिल रहा है, तो वहीं स्थानीय स्तर पर हजारों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के गोरखनाथ मंदिर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। राष्ट्रपति बाबा गोरखनाथ की पूजा अर्चना के बाद गौशाला भी जाएंगे। राजस्थान देवस्थान विभाग ने बुजुर्गों के लिए निःशुल्क तीर्थयात्रा का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके लिए 6 जून से ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। ट्रेन से 18,000 और फ्लाइट से 2,000 बुजुर्गों को निःशुल्क तीर्थयात्रा कराई जाएगी। राजस्थान के टोंक जिले में बिजासन माता का चमत्कारी मंदिर स्थित है। कहते हैं कि इस मंदिर में लकवा ग्रस्त मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। रोगियों को मालिश के लिए अभिमंत्रित तेल दिया जाता है। परम पूज्य महंत परमहंस श्री 108 श्री राम प्रसाद जी महाराज के पावन सानिध्य में राजस्थान के सोजत रोड पर स्थित आशापुरा कॉलोनी में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। आप इस कथा का 15 से 21 जून सुबह 10 बजे से सीधा प्रसारण संस्कार पर देख सकते हैं। निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में गुवाहाटी में स्थित माहेश्वरी भवन में परम श्रद्धेय राष्ट्रीय कथाकार मनुश्री जी महाराज रतन गढ़वाले के श्रीमुख से श्री श्याम संकीर्तन एकादशी जागरण का आयोजन किया जाएगा। आप 10 जून को रात 9:30 बजे से इस कथा का सीधा प्रसारण सत्संग पर देख सकते हैं। केदारनाथ धाम स्थित रामानंद आश्रम में समय से पहले ही भगवान शिव का प्रिय फूल ब्रह्म कमल खिल गया है। ये हैरानी की बात इसलिए भी है कि आमतौर पर ब्रह्म कमल जुलाई और अगस्त के महीने में खिलता है। अब बनारस में भी ऋषिकेश के लक्ष्मण झूले की तर्ज पर पैदल पुल बनेगा, जो गंगा पार रेती से श्री काशी विश्वनाथ धाम को जोड़ेगा। डोमरी से ललिता घाट के बीच बनने वाला ये पुल रिवर फ्रंट योजना का हिस्सा होगा। बिहार के मधुबनी स्थित मां सीतेश्वरी काली मंदिर में महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर उमा कांतानंद सरस्वती महाराज के पावन सानिध्य में श्री राम कथा का आयोजन किया जाएगा। आप इस कथा का 5 से 10 जून तक दोपहर 4 बजे से सीधा प्रसारण शुभ टीवी पर देख सकते हैं। 11 मई को हरिद्वार के हरकी पौड़ी से शुरू हुई मां जगदीशिला की यात्रा 9 जून को गंगा दशहरे के मौके पर समाप्त हो जाएगी। इस यात्रा का समापन विशोन पर्वत पर किया जाएगा। 30 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। 43 दिनों तक चलने वाली ये यात्रा रक्षाबंधन पर खत्म होगी। महाकालेश्वर को केंद्र में रखकर बनाई गई महाकाल मंदिर परिसर विस्तार योजना के पहले चरण का काम लगभग पूरा हो चुका है। करीब 750 करोड़ की इस योजना के पहले चरण में लगभग 316 करोड़ लागत के काम किए गए हैं। इस साल 9 जून को गंगा दशहरा पर्व मनाया जाएगा। इस दिन दान का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि इस मौके पर गंगा स्नान करने से 10 जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है।